कठिन भी है, जैसे बोलते हैं मीठी तलवार है, और अत्यधिक सरल भी है। या तो बहुत इजी है कईयों के लिए, या बहुत मुश्किल है सबके लिए। क्यों बोलते? क्योंकि ये कृपा का पथ है। इस साधन से बात नहीं, साधन करना तो है, जैसे हमने बोला प्रयास तो अपना करना है, पर पथ कृपा का है। जो इसमें प्राप्त होना है वो इतनी ऊंची चीज है कि वो साधन से प्राप्त नहीं हो सकती, वो कृपा से ही प्राप्त होगी। आप इतनी ऊंची चीज के लिए साधन कर रहे हो कि वो साधन से वहां पहुंचा नहीं जा सकता, वहां कृपा से ही पहुंचा जा सकता है। तो भक्ति पथ जो है ये बड़ा सरल भी और बड़ा कठिन भी है, बीच का नहीं है। या तो किसी के लिए बहुत मुश्किल है, किसी के लिए बहुत ईजी है। क्यों बोलते? देखो, क्योंकि कृपा की कोई कीमत नहीं है, अहेतु की है। अब जो चीज फ्री में मिल रही है आप उसको खरीद नहीं सकते, वो या तो बड़ी सरल है, अहेतु की है, भगवान को आपका स्वभाव सरलता पसंद आ गई, भगवान ने कृपा कर दी, प्राप्त हो गई, बड़ी सरल है। और अगर मन में कुटिलता है, अभी भी कहीं ना कहीं कुटिलता घुसी हुई है, तो कितने साधन किए जा रहे तो आदमी थक, अब क्या करूं, अब और क्या करूं कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो। अब नहीं मिल रही, तो जब नहीं मिल रही तो खरीदी भी नहीं जा सकती, कोई कीमत भी नहीं है। जिसको नहीं मिल रही वो आदमी सोचता है क्या, तू कीमत बता, मैं लेने को तैयार हूं। तो आप कोई कीमत ही नहीं है। कीमत क्या है? सरल हो जाओ। अब मेरे जैसे लोगों के लिए सरल होना सबसे कठिन बात है। सब कुछ हो सकते हैं, सरल नहीं हो पा रहे, क्योंकि अपनी बुद्धि बड़ी चलती है, सबके भीतर दोष बड़े दिखते हैं, दोष दर्शन की प्रवृत्ति बन चुकी है। अब ऐसी प्रवृत्ति में सरल होना, ऐसी प्रवृत्ति में जहां हम सोचे कि हमें तो इन सबसे ज्यादा पता है, उसमें सबसे छोटे बन के उनका दास बन के रहना, अपने अहंकार को बिल्कुल खत्म करना। और जिसके लिए ये स्वाभाविक है, जो अब क्या बोल रहे हैं रामानंद राय, मूर्ख मंद हूं मैं तो, आपका दास मंद मूर्ख, बस ऐसे हो जाना है तो भगवान की कृपा सुगमता से प्राप्त हो जाए। मैं क्या हूं, मैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ नहीं हूं, आपको क्या पता है, सच बताऊं मुझे पता अभी तक कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति हुआ मुझे सच में नहीं पता। अब आप एक प्रश्न पूछो, वो चार श्लोक सुना दे, वो कहे कि अब आप अपने आप को मूर्ख समझो, मूर्ख तो नहीं हूं मैं, बाकी कुछ भी कह लो। अब ऐसा व्यक्ति जो है उसको भी बच्चा बन के रहना है, बच्चा बन के रह नहीं पा रहा, कृपा प्राप्त हो नहीं रही, तो कितना मुश्किल हो गया, समझ गए? तो 8-10 साल आदमी भजन कर ले, उसके बाद उसको और मुश्किल हो जाता है, क्यों? इतना सीख लिया, सीखने का जो अहंकार बन गया, अब वो अहंकार कैसे खत्म करे? अब 4 दिन पहले कोई आया और हमें उसका भी दास बनना है, हम तो सब शेर बने। हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, मेरे से पूछो, मेरे आश्रय में रहो, तुम सब सीख जाओगे, शरणागत हो पहले तब तुम्हें अकल आएगी। ऐसी ऐसी हम बातें बोलना और सोचना शुरू हो जाते हैं, कैसे होगा, ऐसे व्यक्ति को कृपा कैसे मिलेगी? बड़े दुख की बात है, रोना आता है कई बार कि क्या करें। ये अहंकार खत्म करना होगा मेरे आश्रय में, अरे मुझे खुद आश्रय में रहना है, हर जीव को अपना सोचना, मैं किसके आश्रय में हूं, मुझे खुद बच्चा बन के रहना है। ये 4-5 श्लोक क्या, आप सारी भागवतम रट लो, सारे रामायण की चौपाई याद कर लो, तब क्या कृपा मिल जाएगी? वो कहीं लिखा है क्या कि ये शास्त्र इतने पढ़ के आ जाओ कृपा? कृपा किसी का किसी मूल से नहीं मिलती, कृपा अहेतु की है। तो जो चीज अहेतु की है उसके लिए सरल सौम्य स्वभाव ही बनाना होगा, इसी से मिलेगी, बच्चा ही बनना होगा, आश्रित ही होना होगा, छोटे ही बनना है, और छोटे के लिए ये बड़ा सरल है, बहुत इजी है उसके लिए। और हम क्या देख रहे हैं, लल्लू था, इसको कुछ आता जाता कुछ है नहीं, बेवकूफ की तरह बैठा रहे, वो बेवकूफ को कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्राप्त तो जाना तो कृपा से ही था, साधन से तो पहुंच भी नहीं सकते थे। एक व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पे है और आप 100 माला ऊपर खड़े हुए हो तो आप पहुंच जाओगे, वो नीचे वाला पहुंच जाएगा, आपके भीतर 100 माले चढ़ने का अहंकार आ गया है,
जाना कहाँ है? बोले जाना तो आसमान में है। अब जितनी मर्जी बिल्डिंग है ऊपर चढ़ लो, आसमान में थोड़ी पहुंच जाओगे, उसके लिए तो कोई ऊपर से रस्सी डाल के खींचेगा तो ही पहुंचोगे। तो कृपा मूलक है ये पाठ, कृपा मूलक के लिए छोटा ही होना पड़ेगा, छोटा ही होना पड़ेगा। और जो जिसके भीतर जितना अहंकार बनता जा रहा है उसके लिए छोटा होना उतना ही मुश्किल है, समझ गए? कमाया नहीं जा सकता, ये कमाई का जरिया ही नहीं है, कुछ नहीं, कोई साधना नहीं है जिससे आप ये प्राप्त कर सको। साधना किस लिए है? साधना सरल होने के लिए है। साधना किसकी है? साधना स्वभाव की है, अपने स्वभाव को ठीक करने की साधना है, श्लोकों को याद करने की साधना नहीं है, विज्ञता दिखाने की साधना नहीं है, मैं बड़े विद्वान बन गए इसकी साधना नहीं है, साधना सरलता की है बस। जो जितना सरल बन गया, असली भजन किसने किया है? जो 10 साल 15 साल भजन करके भी ऐसे निकलता है जिसको अब पता लगे कि मुझे कुछ नहीं पता है। बोले 20 साल साधना करके क्या समझ में आई है? कि मैं समझ नहीं सकता भगवान आपको, ये समझ में आई है मुझे, तो उस पर कृपा हो गई। ये पूरी सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं, भगवान मेरी स्थिति कैसी है? बोले जैसे माता के गर्भ में भगवान शिशु की होती है ना, एक दिन का बच्चा भी नहीं, बोले जो गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर जो शिशु है वो कितना जानता है? उसे क्या पता है अपनी माँ के बारे में? बोले जितना वो जानता है ना अपनी माँ के बारे में, उतना ही मैं आपके बारे में जानता हूं। ब्रह्मा जी जिन्होंने ये सारी सृष्टि आपको मेरे को सबको बनाया है, ये सारी सृष्टि की रचना करी है, वो भगवान को बोल रहे हैं कि मेरी स्थिति ऐसी है जैसे गर्भ में शिशु की होती है, और अगर मेरा आपके प्रति कोई अपराध हो जाए तो ऐसे ही समझना जैसे गर्भ में शिशु अपनी माता को लात मारता है तो माता प्रसन्न होती है, देखो अंदर से लात मार रहा है, तो बोले मेरे अपराध को आप ऐसे ही समझना जैसे गर्भ के शिशु की लात है, मुझे कुछ नहीं पता है। और जिनको पता है, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं अपने चारों मस्तक से उनको दंडवत प्रणाम करता हूं, वो जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं जानते, और मैं, हम लोग ऐसे बच्चे बच्चे पैदा होते हैं, इधर आओ मैं बताता हूं भगवान के बारे में। सिर्फ अहंकार है, सिर्फ अहंकार, और ये अहंकार को तोड़ने की ही साधना करनी चाहिए, विद्वान बनने की नहीं। विद्वान तो रावण था, प्रखांड पंडित था, थोड़े ना मिले भगवान, विद्वता से कभी नहीं मिलते, सरलता से, सौम्यता से। तो हमारी इसीलिए सारी साधना मुख्य रूप से अपना स्वभाव ठीक करने की, अहंकार तोड़ने की, ये समझने की कि मैं नहीं समझ सकता अपनी बुद्धि से, ये बुद्धि के अगोचर है भगवान, ये समझना ही साधना है। जैसे कई जीव ऐसे है ना, चैतन्य चरितामृत में ही हम देखते हैं, श्रीमन महाप्रभु गए और वो जो ब्राह्मण थे, आया भी नहीं जो वो भगवत गीता पढ़ रहे थे, आया आ गया, आ चुका है ना, तो भगवत गीता पढ़ रहे थे तो बोलते भगवत गीता के उनके उनसे ठीक से श्लोक भी उच्चारण नहीं किया जाता, भगवत गीता के केवल बाहर का चित्र देख के वो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु ने पूछा आप क्या देख के आपके, क्योंकि उनके भीतर प्रेम अश्रु आ रहे हैं, बोले आपको क्या देख के प्रेम अश्रु आ रहे हैं? लोग तो हंसते थे क्योंकि कई बार वो उल्टी भगवत गीता पकड़े हुए थे, उल्टी, उन्हें पता ही नहीं है उल्टी सीधी क्या होती है। बोले जब मैं कृष्ण को ये रथ पे खड़े हुए देखता हूं, और अर्जुन को देखता हूं, और अर्जुन के सौभाग्य देखता हूं, और इनका स्वरूप देखता हूं, आह कितने सरल, कितने सौम्य, श्री हरि भगवान हो के सारथी बने बैठे हैं, मुझे ये देख के रोना आ जाता है। सालों से यही देख के बस मैं रो रहा हूं, अब बताओ इन लोगों पे भगवान की तुरंत कृपा हो जाती है। अब क्या जानते हैं वो, क्या पढ़े हैं, कौन सा उल्टी किताब पढ़ रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता, पर भगवत कृपा हो गई क्योंकि भगवान के प्रति संबंध है, भगवान से प्रेम हो गया। कोई ज्यादा पढ़ने लिखने जानने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये विद्वता जानने की कुछ जरूरत नहीं है। हम शास्त्र पढ़ते क्यों हैं? शास्त्र पढ़ने का लक्ष्य केवल ये है कि मेरा स्वभाव ठीक हो सके, पहली बात, और दूसरा मेरा भगवान के साथ संबंध जुड़ सके। कोई हीरो हीरोइन हमें अच्छा लग जाता है तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना, ये अपने घर पे कैसा है, इसके बच्चे कौन है, इसकी बीवी कौन है, इसका बिहेवियर कैसा है,
ये जब बाहर जाता है तो ये कैसे बिहेव करता है, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हम कृष्ण के बारे में, श्रीमन महाप्रभु के बारे में, किशोरी जी के बारे में जानने की कोशिश करें। शास्त्र पढ़ने का यही लक्ष्य है, और इनके बारे में जानने को मिले। वृंदावन में कैसे डीलिंग्स होती हैं, गोलोक में कैसा व्यवहार होता है, कैसे सब एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे इनकी सेवा होती है, ये जानने को मिले। इसलिए शास्त्र है, प्रीचिंग करने के लिए नहीं है कि मैं चार लोगों के सामने खड़ा हूं तो पता लगना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्पीकर हैं वो अपना जो मंगलाचरण है उसी को बनाने में लगे हुए हैं। एक बार बैठूं ऐसा मंगलाचरण हो कि उसी से सारे बंदे चित हो जाएं, कहां से श्लोक लाया मंगलाचरण के। ये विद्वता दिखाने की बात ही नहीं, इससे क्या होगा? आप विद्वता दिखा लोगे उससे क्या होगा? कृपा नहीं प्राप्त होगी। कृपा अलग चीज है। इसीलिए फिर ये पथ बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे लगता है यार इतना पढ़ रहा हूं, इतना कर रहा हूं, ऐसे एक एक हजार भागवतम ले ली और अभी भी भगवान की कृपा नहीं प्राप्त। अब तो और दूर हो गए। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तो दास बनना था। वो जैसे वो कह रहे हैं स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, किस लिए? अपने सुख के लिए है, समझाने सुनने पढ़ाने के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए। जितना कोई कॉम्पिटिटिव होगा उतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत, क्योंकि ये लड़ाई इसी की नहीं है, शास्त्रार्थ करने के लिए थोड़े ना है ये तो प्रेम करने के लिए है, और प्रेम में कोई लड़ाई नहीं है। मेरा जितना प्रेम है ऐसे थोड़ी आपका ज्यादा हो जाएगा तो मेरा कम हो जाएगा। आप भी करो, मैं भी करूं, सब करो, सारे करें, एक दूसरे से दूसरे का और प्रेम बढ़ता है। किसी का भगवान के प्रति प्रेम देख के और प्रेम वर्धन होता है, कम थोड़ी होता है। कंपटीशन थोड़ी है इसमें, कंपटीशन तो विद्वता की होती है, प्रेम में क्या कंपटीशन है, समझ गए? तो इसीलिए बड़ा अलग रास्ता है, कृपा मूलक है, कृपा प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है, और कृपा से ही प्राप्त होगा भगवत प्रेम, और कृपा के लिए सरल होना है। तो जो जितना बड़ा हो गया उसके लिए उतना छोटा होना मुश्किल है, तो छोटे के लिए सही है। नहीं जानते भगवान से प्रेम हो गया, कुछ नहीं जानते भगवान से प्रेम हो गया, बहुत अच्छी बात है, मत जानने की कोशिश करो। ये प्रेम ही करना था, ये सारा हम पढ़ इसलिए रहे थे कि प्रेम हो जाए। किसी भक्त से कोई द्वेष नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेना देना नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यही तो करना था, यही तो चाहिए था, सबसे प्रेम करके भगवान के भजन में लग जाओ, बस यही करना है, करना यही लोग जाएंगे भगवत धाम, इन्हीं को कृपा प्राप्त होगी। जय राम।